साथ नेशन न्यूज पैनी नजर हर खबर। सेंट्रल बैंक में सोमवार से 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हुई। सेंट्रल बैंक स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर क्षेत्रीय कार्यालय पर सुबह से ही प्रदर्शन किया गया। क्षेत्रीय सचिव आरबी खन्ना ने बताया कि उच्च प्रबंधन की हद्धर्मिता के कारण देश भर में हड़ताल की जा रही है। बैंक प्रबंधन का व्यवहार अमानवीय और संविधान के विरुद्ध है। प्रांतीय सहायक महामंत्री अनुराग ने कहा कि अमानवीय और उत्पीड़क ट्रांसफर के खिलाफ कर्मचारी हड़ताल पर है और प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल को अधिकारी संगठनों का भी समर्थन रहा। शाखाओं में काम आज नहीं हुआ। हड़ताल को बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन के महामंत्री ने भी समर्थन किया और नारेबाजी की। इस मौके पर आलोक संजीव कुमार, वीएन अग्रवाल, राजेश गुप्ता, विनय अतुल विज, हिमानी गंगवार, सीमा आदि ने संबोधित किया। सेंट्रल बैंक देशव्यापी हड़ताल है, जिसके तहत बरेली में भी हड़ताल हो रही है। सुबह से हड़ताली कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल ये, हड़ताल क्यों है? सेंट्रल बैंक का मैनेजमेंट ना तो नियमों को मान रहा है, ना संविधान को मान रहा है। संविधान विरोधी है, नीति विरोधी है और कर्मचारियों का उत्पीड़न करने पर उतारू है। इसको लेके 1920 सितंबर को 2 दिन की हड़ताल की जा रही है और पूरे देश में उसका अच्छा व्यापक असर है। शाखाओं में काम बंद है और कर्मचारी हड़ताल पर यहाँ मौजूद है। अभी यहाँ प्रदर्शन रुक चुका है और आपको बताना चाहेंगे कि अगर ये मैनेजमेंट नहीं माना तो हो सकता है कि हड़ताल और बैंकों में देखने को मिले। अरविंद खन्ना, रीजनल सेक्रेटरी सेंट्रल बैंक स्टाफ एसोसिएशन। आज सेंट्रल बैंक बरेली के अंदर सारी ब्रांचेस सेंट्रल बैंक की बंद हैं। उसका कारण यह है कि मैनेजमेंट ने अप्रैल के अंदर 4000 क्लर्कों का यूनिलेटरल डिसीजन लेके गलत ढंग से बिल्कुल ट्रांसफ़र करे, जो आज तक वापस नहीं करे। हमारे ऑल इंडिया लेवल पे इन्होंने समझौते भी करे, उन समझौतों का वायलेशन करे और आज तक वो ट्रांसफ़र आकर वापस नहीं करे। तमाम बातें हुई लेकिन ये लोग नहीं करें और गलत सलत तरीके से जो हमारे इंडस्ट्री लेवल पे सेटलमेंट है, तमाम हमारा समझौता जो बायपार्टाइट होता है उसमें कहीं पे भी इस तरह का नहीं है जो ट्रांसफर क्लरिकल स्टाफ के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से किए जाए या 100 किलोमीटर हो। इन्होंने अपने मनमानी हर धर्म के कारण ट्रांसफ़र करे, जिसके कारण यूनियन को मजबूर होकर स्टेप लेना पड़ा है कि आज पूरे हिंदुस्तान पूरे देश में ये ऑल इंडिया स्ट्राइक है और सर बरेली में हमारी पूरी हड़ताल है। सारी ब्रांचें हमारी ब्रांचें में सारे काम बिल्कुल अस्त व्यस्त है, बंद है सब, बिल्कुल कोई कर्मचारी हमारे कार्य पे नहीं है। हम ये मैनेजमेंट से डिमांड करते हैं कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करके ट्रांसफ़र आर्डर हमारे वापस लिए जाएं और अगर ये समझौता समय रहते हुए नहीं होता है तो ये इसका आगे जो है विकराल रूप लेगा। स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज, हेल्थ न्यूज, तमाम तरीके की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आजाद नेशन न्यूज के साथ।